हाँ जी, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है, मैं एक्चुअली कहीं शादी में गई थी, तो वहाँ पे थोड़ी देर मैंने फंक्शन एंजॉय किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पता लगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा शिव मंदिर है। ये बात है कंसवाड़ा गांव की, जो कि दारला से महज 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है ना, तो बहुत ही प्यारा सा गांव है, मक्की से हरे भरे खेत। और ये शादी वालों का घर है, जहाँ पे शादी थी ना, ये उनका घर है। तो आपको मैं हर चीज़ दिखाऊंगी पूरी इस गांव की भी, और आप लोग पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, प्लीज़ स्किप ना करें, बहुत आपको अच्छा लगने वाला है आज। तो देखिए, हम रास्ते से ऊपर को चढ़ रहे हैं, मेरे को पता लगा कि शिव मंदिर है यहाँ पे। मैंने बोला पहले शिव मंदिर पे जाना है और आप लोगों को भी दर्शन करवाने हैं भोले बाबा के, ठीक है? तो चलिए, गांव की छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम लोग निकल गए आगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे साथ कौन थी, ठीक है? तो चलो, ये देखें, यहाँ पे आसपास पशु वगैरह बांधे हुए, और पानी लगता है इस गांव में, पानी बहुत, पानी का बहुत अच्छा स्रोत है, नेचुरल स्रोत जिसको बोलते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक स्रोत। तो बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, और गांव की तो आप लोगों को पता है कि बात ही अलग होती है, और खासकर हिमाचल के गांव की तो बात ही निराली है, ठीक है? तो इस रास्ते से हम जा रहे हैं शिव मंदिर। और शादी में आज थकान बहुत हो गई है, मतलब काम भी नहीं करो आप, लेकिन कहीं से आते जाते हैं ना, या गाड़ी चला के, या कहीं शादी ब्याह में इंजॉय करके आते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, ठीक है? ये देखो, यहाँ से लोग आ रहे थे ऊपर से, और मंदिर से आ रहे थे दर्शन करके, और कितना बढ़िया रास्ता बनाया हुआ है, और आसपास कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा लगा सच में। तो चलो, यहाँ पे मेरे को मेरे मामा की लड़की मिल गई थी और चलो मेरे को कंपनी मिल गई, नहीं तो फिर मैं अकेली होनी थी। नहीं तो इसने भी, इसको भी मैंने बोला था, मैंने कहा शॉर्ट्स ही डाल कर चाहे, और वीडियो वगैरह डालती रहे भी घर में, मेरी तरह गायों का काम करती है। तो आपने इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और बहुत अच्छे पशु पालती हैं, सेम टू सेम मेरी मेरी तरह जिंदगी है, जिंदगी बस है है भाई, ना, एक जैसी हमारी एक जैसी लाइफ है हमारी। और बहुत मेहनती है, सबसे बड़ी बात है जो मेहनत करता है मैं उनकी ज़रूर, जो मेरे से होता है जरूर करती हूँ, बहुत मेहनती है। इसके पशु दिखाऊंगी, अभी मैं इसके घर नहीं जा पाऊंगी, इसके घर थोड़ा नीचे है गांव से, तो अभी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन प्रॉमिस किया है इसके साथ मैं आऊंगी जरूर, तेरी गाय और तेरी भैंस देखने। हाँ, आऊंगी पक्का। अच्छा रमा, तू भी बोल दे दो चार शब्द बस मेरे चैनल। मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब हाँ जरूर जरूर करें। करना, नाम क्या है? रमा की डायरी और रमा की लाइफ डायरी, आप उसको सर्च करेंगे, चाहे हिमाचल हाँ लाइफ हिमाचल स्टाइल, रमा की लाइफस्टाइल डायरी अगर सर्च करेंगे हिमाचल लाइफ स्टाइल में, हाँ आपको बहुत सारे उससे मिलेंगे, लेकिन आपको रमा की रमा की डायरी, डायरी से उससे आपको एक ही चैनल एक ही दिखेगा, चैनल दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो भैंसे हैं, गायें हैं इसके पास, विलेज की जिंदगी है गांव की, बहुत अच्छा दिखाती हैं रमा। हाँ जी सुंदर भी बहुत है यार, मैं तो आज लग भी वैसी रही हूँ दूसरी दुनिया की प्राणी दूसरे थक दुनिया की प्राणी है के ना, बुरे हाल है सच्ची, हाँ बुरे हाल गर्मी हो में गए, है, गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी में तो चलो, अभी ये मेरे को ले जा रही है मंदिर दिखाने, ठीक है? इनके गांव में एक बहुत ही अच्छा शिव मंदिर है, और आज है आजकल चला हुआ है सावन का महीना, तो मैं शादी से उठ के मैं चल पड़ी, मैंने कहा मंदिर भोले बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, और यहाँ तक आई हूँ तो बाबा ने बुलाया ही होगा, है ना, दर्शन करने, ये भगवान की इच्छा होती है सारी, हम कुछ नहीं कर सकते, तो चलें दर्शन करते हैं मंदिर के। वाह, कितनी प्यारी जगह है ना, है ये इनर ही आई है ना, वेरी गुड यार, बहुत प्यारी जगह है ना, कीर्तन भजन भी होने थे ना। अच्छा बैठो के ये लोग, अच्छा अच्छा साथ ही घर भी है किसने, तो यहाँ ये मक्की तुझे कभी बाई थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी होगी, सर तो छोटी है, किन्नू जाना परी है ऊपर ही है, आ हा हा इसी ने जाना मंदिर माथे पे, हां ती तो दे हमने मैच जी ने मधु पात्र आवे ताकि लगा पे पता
नहीं तू चल मैं माता देख, चल माता देख, शाबाश मेरा पू, देखो मेरा सब्सक्राइबर मिल गया यहाँ पे, क्या दूजा भी आएगा भाई, क्या ही तुर कर ओ पार तू तो नहीं कोटले कैसे परिवार थे बेटा मेरे दादे ना श्री सोहनलाल श्री सोहनलाल ठाकुर जी प्रॉपर धुंधनी आस पास के गाँव के कोटला कोटला से जहाँ से ही आया जून अक्षु के घर के पास है। थैंक यू यार बच्चों, देखो बच्चों ने पहचान लिया, क्या बात है, इनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद भगवान से, बहुत तरक्की करो। जूते के उतार लोगे और पानी देखो कितना अच्छा है यहाँ से पानी बह रहा और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे यहाँ पे प्रावधान कर रखा है। गुड ये बड़ा सुंदर पानी निकासी कर रखी है ना, तो यहाँ की जो यहाँ पे जो देखने काबिल यहाँ पे आप बैठ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, और कभी मौका मिले तो आना जरूर। तो ये देखो शिव मंदिर है यहाँ पे, सावन के महीने में भगवान शिव जी के मंदिर में जाना कोई आम बात नहीं हो सकती, बाबा का बुलावा आया है तो ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखो पानी की बड़ी अच्छी निकासी करी हुई है इन्होंने, है ना, ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है रमा? अच्छा ये नेचुरल है, देखिए ये नेचुरल वाटर है यहाँ पे, ये जो सोर्स है पानी का ये कहीं से नहीं है, ये यहाँ का अपना पानी है ना, नेचुरल है ये, बिल्कुल नेचुरल है, कोई लिफ्ट का पानी नहीं है। पर इन्होंने ना इसको बहुत सुंदर रूप दे दिया है, जगह को भी और पानी को निकलने के लिए भी, देखो एक घर जैसा ऊपर बनाया है, ऊपर हमारे हनुमान जी और साथ में राधे कृष्णा है, राधे कृष्णा है, राधे कृष्णा है, और ये देखो एक ऊपर है ये घर जैसा पानी का, और यहाँ से नीचे नीचे से होता हुआ इसको निकाल दिया गया है नीचे वहाँ पर, नीचे से हाँ नीचे नीचे कपड़े और यहीं की मंदिर की मिट्टी की जो यहाँ पे ये हमारे वॉशरूम वगैरह इन्होंने बना रखे हैं, और कंसवाड़ा गांव में ये जगह बहुत प्यारी जगह है। चलें ऊपर, क्या बात है, ये देखे राधे कृष्णा, जय हो बाबा, बुला ही रहे हो हर बार बुला रहे हो, रक्षा करना। पानी जो है जा रही है सावन के महीने में भोलेनाथ के ऊपर पानी, वैसे भी रोज जाना है तो मेरे को पानी लेने के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, नीचे का बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा ना, हाँ यहाँ नीचे से नीचे आ गए होगा हाँ मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए पानी लेके आ रही हूँ और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, जिस जिसकी जो जो भी मनोकामना होगी ना भगवान शिव शंकर जरूर पूरी करें, और महादेव का इशारा जय हो।
तो देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण जी का मंदिर है और बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे बहुत शांति मिली सच्ची में। अगर शांति कहीं है ना तो वो भगवान के दरबार में ही है। और वहाँ पे हनुमान जी, ये रुको, यहाँ पे हनुमान जी है, ये देखो। यहाँ पे जाने की नहीं आगे जगह, और इसी जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि ठीक नीचे ना यहाँ पे पानी का वो बना रखा है इन्होंने। और मैंने ये पानी देखा था ये देखो यहाँ से आ रहा है ये पानी, सारा नेचुरल पानी ही मिला हुआ। नहीं उबे भैया कुछ रमा, उबे भैया कुछ ऊपर का जी रहा, और ऊपर भी है कुछ, और यहाँ से ये पानी निकला। ऊपर बॉडी वगैरह होनी है ना, किसी जाने चलते थे। शिव मंदिर का जो आकार देखो किस तरह का, कितना प्यारा बनाया हुआ है। और यहाँ से देखो यहाँ से गया है पानी, उन्होंने नीचे से जो निकाला वो नीचे को। अब यहाँ से दिखाती हूँ आपको पूरे का पूरा। चले जय हो भगवान जी। और पूरा मंदिर दिखाती हूँ, ये देखो इस आकार का बना हुआ है पूरा मंदिर। चले, और यहाँ पे बाबा भैरव जी हैं, और अंदर ओम श्री भैरव महाराज के ऊपर तेल ना लगाएं जी, बिल्कुल जय हो भैरव बाबा। धन्य है आप, और आपको यहाँ माता रानी का मंदिर होगा पक्का, है ना, क्योंकि जहाँ पे माता रानी का मंदिर होगा ना वहीं पे भैरव बाबा जी होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ताला लगा रखा है। जय हो मेरी मैया, मेरी जगत जननी माँ, ये देखो सबकी रक्षा करने वाली महामाई। और माता का अब मैं आपको अंदर थोड़ा सा दिखाती हूँ, ताला है तो मैं थोड़ा सा यहीं से दिखा देती हूँ। देखो वहाँ पे माता है ना, और वहाँ पे माँ का देखो बेड लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, ठीक है। वाह, आज तो सबके दर्शन हो गए भाई। और यहाँ पे हमारे हनुमान जी हैं, और इस साइड हमारे माता रानी है। अच्छा 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 अच्छा, ये पानी पुनी रहना सराय सरुई उबे, ठीक ठीक ठीक, हाँ ये पावरा टीन है ना, मतलब तो ऊपर नहीं हम जाएंगे, क्योंकि ऊपर पता क्या है, ऊपर सराय इन्होंने लोगों ने बहुत ही, मैं तारीफ करती हूँ गांव वालों की, कनसौरा गांव की, जिन्होंने ये यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा करवाई, पंचायत से चाहे सरकार से कैसे भी करके या खुद का सहयोग जो भी रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी जगह इन्होंने बना रखी है। ऊपर जो सराय है भागवत वगैरह होता है, कमरे हैं, और एक खुला छत इन्होंने रखा हुआ है, बाकी आगे जैसे पानी का सोर्स है, ठीक है। बाकी ये आपको मंदिर पूरा दिखा देते हैं, मंदिर की बनावट, मंदिर का आकार, और सच में धन्य हो गई मैं, और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सच्ची में। रमा का भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरे को यहाँ लेके आई है। मेरे को ना ऐसी जगहों पे शांति मिलती है, मेरे को लोगों के बीच में ना बहुत इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा। ये देखो और शिव मंदिर का कार्य, डमरू त्रिशूल चंद्रमा ऊपर ही लगा रखा है बाबा ने, और मेरी माता साथ में ही बैठी हुई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह। बेटे वो दो मिनट थे ना, आसपास का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मक्की लोगों ने बीज रखी है, जो कि यहाँ की फसल बहुत अच्छी है। ये साथ में ही गांव, यहाँ पे दस मिनट ही लगे होंगे शायद, दस भी लगे होंगे, पांच ही लगे होंगे। ये कौन सा गांव है रमा पार? और ये कौन सी सड़क गई पार को? ये तो फिर आगे वगैरह। अच्छा 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 अच्छा, कांगरीदार, ये वाली सड़क गई कांगरीदार को। अच्छा अच्छा, हम जाएंगे कभी वहाँ पे भी यार, बोलते हैं बड़ा अच्छी जगह है ना, अच्छी है बहुत वहाँ। हाँ वहाँ जाएंगे हम कभी ना, तेरे को भी करूंगी मैं फोन। तो ये देखे यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे 10 मिनट बैठ के ना थोड़ा आराम करेंगे, बस आराम करना है। तो फिर ठीक है, ते माता तो इतने जाओ देखो पूरा कैप्चर होना चाहिए।
नेचुरल पानी है वैसे। तो चलिए यहाँ पे पानी पी लेते हैं, और पानी बहुत ही अच्छा है यहाँ का ठंडा का। नहीं।